देवर्मा जी जो है वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनीति में आए हैं, अध्यक्ष है पार्टी के और उनका एक तरीका काम करने का वो कर रहे हैं। और जहां तक मैंने देखा, अब इतने कम समय के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ के 16 MLA जिसको है, तो सच्चाई को मानना चाहिए ना। और उन्होंने उसको 25% में पहुंचा दिया, तो मैं उनको इसलिए बधाई देता हूँ। डेमोक्रेसी में होना चाहिए, जो अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, मैदान में होना चाहिए। कम्युनिस्ट मैदान में नहीं होती, कंप्लेन सेक्शन में होती है। इनके लिए अलग सेक्शन है, रतन बाबू ये सेक्शन देखेंगे। यू एक्सपेक्ट बेटर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन? एकदम बेटर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन चाहिए, इससे राज्य का देश का दोनों का भला होगा। इसलिए वो अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो हमको भी काम करने में अपोजिशन बहुत कुछ कमियां है। तो अपोजिशन जैसे पत्रकार है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, प्रिंट मीडिया देखता हूँ, तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ जो मेरा अच्छा ही दिखाते रहो, कुछ कमी है वो भी देखे, तो मेरे को काम करने में सहूलियत होती है। इसलिए कोई पत्रकार कोई सरकार में कोई ठीक काम नहीं हुआ और वो उसका आलोचना किया, वो गलत नहीं है, किंतु ट्रांसपेरेंस भी नहीं करना चाहिए, प्लांटेड न्यूज़ नहीं देना चाहिए। ये मैंने बहुत पहले भी पत्रकार बंधु को बोला, प्लांटेड न्यूज़ नहीं देना चाहिए, इससे राज्य का व समाज का, सोसाइटी का नुकसान।